स्मार्ट स्कूल। नमस्कार, मैं हूँ राजपाल। मॉर्निंग हेडलाइंस में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं अभी की खास खबरें। केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरियों में खाली पड़े पदों की भर्ती के लिए बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में सरकार की ओर से संसद में दी गई जानकारी के अनुसार मौजूदा समय में केंद्र सरकार के करीब 7 लाख पद खाली पड़े हैं। इसके बाद कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने निर्देश दिए हैं कि सभी मंत्रालय और विभाग जल्द से जल्द इस संबंध में जरूरी कदम उठाएं। भारत ने अमेरिका को फिर से स्पष्ट कर दिया है कि कश्मीर मुद्दे पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता किसी भी हालत में स्वीकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। एक अन्य सवाल के जवाब में रवीश कुमार ने कहा कि कश्मीर पर तनावपूर्ण स्थिति बनाने की पाक की कोशिश विफल हो चुकी है और दुनिया को उसका दोहरा मापदंड डबल स्टैंडर्ड समझ आ चुका है। 5 अगस्त 2019 से नजरबंद चल रही पीडीपी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का विकल्प पार्टी में ढूंढा जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पार्टी के संरक्षक मुजफ्फर हुसैन बेग को पार्टी के नेता के विकल्प के रूप में देख रहे हैं। इस संबंध में महबूबा के विश्वास वाले नेताओं को राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार अनुच्छेद 370 हटने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में सियासी परिदृश्य एकदम से बदल चुका है। महबूबा मुफ्ती नजरबंदी से कब बाहर आएंगी इसको लेकर भी कोई साफ साफ कुछ नहीं कह सकता। उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 370 को हटाने के सरकार के फैसले के खिलाफ गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 मामले को बड़ी बेंच को सौंपने की चुनौती दी जाए या नहीं इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बताया कि कैसे जम्मू और कश्मीर का भारतीय संघ में प्रवेश हुआ और ये अपरिवर्तनीय है। वेणुगोपाल ने कहा कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की संप्रभुता वास्तव में अस्थायी थी, हम राज्यों के संघ हैं। कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अशोक चौहान ने नागरिकता संशोधन कानून CAA और राष्ट्रीय नागरिक पंजी NRC को लेकर कहा है कि जैसे कि कांग्रेस कार्य समिति द्वारा तय किया गया था, हम नागरिकता संशोधन अधिनियम और NRC का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा विरोध महाराष्ट्र में भी देखा जाएगा। जहाँ तक NPR का सवाल है तो कांग्रेस कार्य समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस से 3 सदस्यों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार में 8 नए मंत्रियों को राजभवन में दोपहर 1 बजे आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शपथ दिलाई जाएगी। सऊदी अरब में केरल की नर्सों में कोरोना वायरस पाया गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर सऊदी अरब में केरल की नर्सों के भी कोरोना वायरस के प्रकोप में हस्तक्षेप करने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने विदेश मंत्रालय से सऊदी अरब के साथ संवाद करने का भी अनुरोध किया है। निलंबित DSP देवेंद्र सिंह मामले में आरोपियों को NIA कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान निलंबित DSP देवेंद्र सिंह सहित कुल 4 आरोपी न्यायालय के समक्ष ले जाया गया। न्यायालय ने लंबित DSP देवेंद्र सिंह तथा अन्य 3 आरोपियों को 15 दिन की रिमांड पर भेजा है। इससे पहले आतंकियों के मददगार जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व DSP देवेंद्र सिंह की निशानदेही पर NIA की 2 टीमों ने श्रीनगर के इंदिरा नगर, नौगाम व अन्य जगहों पर छापा मारा था। उनको 15 दिन की रिमांड मिली है और उनके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं वो अंडर अनलॉफुल असेंबली एक्ट और एक्सप्लोसिव एंड आर्म्स एक्ट के अंडर इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए। सर, बॉडी लैंग्वेज कैसी थी इसकी? बॉडी लैंग्वेज सर, जो एंटी नेशनलिस्ट की जो बॉडी लैंग्वेज होती है वैसी बैठी। तो जज ने क्या पूछा? जज साहब ने क्या चार्जेस हैं इन पे? देखिए,
जज साहब ने सारी नोटिफिकेशन, जज साहब ने जो प्रोसीजर जो फॉलो करना होता है एज पर द क्रिमिनल जो लॉ है उसके अंदर जो भी प्रोसीजर फॉलो वो फॉलो किया, इनसे कुछ इनको आइडेंटिफिकेशन को लेकर इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे और उसके बाद इनको बताया है कि जज साहब ने सी डी फाइल वगैरह पूरी प्रॉपर तरीके से देखी आफ्टर फॉलोइंग द सी डी फाइल और जो भी मटेरियल उसके पास था एंड ही फाउंड दैट कि इट इज़ फिजिबल फॉर कि हमें 15 दिन की जो पुलिस कस्टडी है वो उनको दी। इसके साथ तो क्या ये कोई रिमोर्सफुल था, ये इसको अपने किसी इसको अपने जो आतंकी साजिश थी उसके कोई पश्चावा था? सर देखिए ऐसा तो नहीं है बट ऐसा लग नहीं रहा था। अच्छा इनको दिल्ली कब ले जाया जाएगा? दिल्ली का अभी तो कोई नहीं, अभी तो 15 दिन की रिमांड है, वापस आएंगे जम्मू में। जम्मू में 15 दिन ये इन्वेस्टिगेशन की होती है, इन्वेस्टिगेशन पूरा, अभी पूरा ऑर्डर आया नहीं है, एनआईए को रिमांड दिया सर, अभी पूरा ऑर्डर पड़ा नहीं है, जो ऊपर कोर्ट में जज साहब ने अनाउंस हुआ है वही है, जब पूरा ऑर्डर आएगा वो आपको। सर वो मैंने ऑलरेडी जवाब दे दिया। तो ये थी अभी तक की खबरें, आप देखते रहिए द अर्थ न्यूज, नमस्कार। SP Smart School.